हे गाइस, मैं हूँ कामनी और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल कामने सिंह पे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने शेयर किया था धनवा का बर्थडे गिफ्ट, वो भी उसके ननिहाल साइड का, जो उसके मामा लोग, नानी लोग, यानी कि मेरे मायके से और निक्की के मायके से जो गिफ्ट आया था धनवा के लिए, वो सब कुछ मैंने शेयर किया था। और नेक्स्ट जो वीडियो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो यहाँ पे इसे गिफ्ट क्या बोलेंगे, मतलब धनवा का बर्थडे पे क्या क्या लिया था सबने उसके लिए, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोग से पहले बता दूँ कि जो अभी जो मैंने जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए गिफ्ट उसको देना है, उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना है, ऐसा कुछ करके वो चीज़ सब कुछ लिया गया था। बट एक होता है ना कि हाँ, उसके जब किसी का बर्थडे आता है और उसी दिन पहनने के लिए या उसी में यूज करने के लिए जो भी हम चीज़ लेते हैं, उसे हम बर्थडे गिफ्ट ही तो बोलते हैं। बस ऐसी जो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मम्मी ने, जो धनवा के जो दादी, चाचा, चाची, पापा, बाबा जो भी हैं, सब ने जो भी लिया, मैंने क्या लिया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो जो भी गिफ्ट लिया वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे ऐसे कि आप लोग, मतलब यहाँ पे हमने क्या गिफ्ट दिया धनवा को बर्थडे पे, क्या स्पेशल किया वो चीज़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक और बात मैं इस वीडियो के थ्रू ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि धनवा का जो बर्थडे है वो बिल्कुल नॉर्मल सेलिब्रेट करना है, जबकि निक्की का भी एनिवर्सरी था तो वो तो बहुत अच्छे से ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया था, तो ये धनवा का बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते अच्छे से। तो मैं उन लोगों से ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करें। दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो एनिवर्सरी था वो फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो फर्स्ट एनिवर्सरी, पहला शादी की सालगिरह कोई भी अच्छे से ही सेलिब्रेट करना चाहता है, तो हमारा भी मन था कि हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। और रहा सवाल धनवा का, तो आप लोगों ने अभी टीजर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे रही डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसका फुल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर कि कैसे हमने सेलिब्रेट किया था। तो जो उसका फर्स्ट बर्थडे था वो बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत ही ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया था। सो बार बार ही कि हर बर्थडे पे कि हम बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करें, इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक्चुअली हम वैसे भी, कुछ लोग तो हमें ये भी कमेंट कर देते हैं कि आप लोग ये फालतू का खर्चा करते हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग कहते हैं फालतू का खर्चा करते हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना कम क्यों किया। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें आप लोग के, जिससे हमें थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हो जाए कि आप लोग कर क्या रहे हो। और दूसरी बात, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने हमें पॉजिटिव कमेंट किया कि दी ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ये चीज़ अच्छा लगेगा, सही लगेगा, उस चीज़ पे मैं ध्यान देती हूँ। बाकी अगर कोई ऐसे बोल रहा कि नहीं, उसका तो ऐसे किया, उसका ऐसे नहीं किया, उसका ऐसे किया, जो कंपेयर वाली बात होती है ना, वो भैया माफ़ करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो सारे कमेंट मैं इग्नोर ही करती हूँ और उनकी बातें मुझे नहीं सुननी। तो इसका थर्ड बर्थडे था, हमने फर्स्ट सेकंड भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, और ये थर्ड था जो घर में सिर्फ एक केक मांग के मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैं कुछ, मम्मी बार बार कहती हैं कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, हम उन्हें बोलते भी नहीं, तब भी वो आ जाते हैं फिर बोल के उनके ऊपर भी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे घर में लगा ही रहता है, कभी उसका फंक्शन, कभी इसका बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी ये, तो को जो भी आता है उसका भी कुछ ना कुछ खर्च हो ही जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे फालतू में खर्च हो, हम खुद ही बस सोच रहे थे कि घर में एंजॉय कर लेंगे। बट क्या हुआ कि सबका फ़ोन एकदम से आना शुरू हो गया कि नहीं, बाबू का बर्थडे हम नहीं आएंगे, बाबू का बर्थडे हम नहीं, हम खुद से ही, किसी को हमने इनवाइट नहीं किया था, बट उनका इतना मन था कि वो खुद से ही आए बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और दूसरी बात कि ये पार्टी भी कोई कम नहीं था, ग्रैंड लेवल पर हो ही गया था हमारे लिए, क्योंकि जो भी हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितने सारे लोगों को बुलाना है, वो सारे लोग आए हुए थे। और दूसरी बात ये कि उसका पहला गिफ्ट भी ये चीज़ हो गया कि जो डेकोरेशन हुआ था यहाँ पे अभी, वो हम नहीं करवाने वाले थे, हम खुद से, मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, हम खुद से लेके आए थे कुछ गुब्बारे वगैरह, कि हम खुद से अपना सब कुछ डेकोरेशन कर लेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। बट जो उसके चाचू हैं, उन्होंने ही बोला कि नहीं, कि मैंने कहीं बात की है और उसको बुलाया है, वो आके और अच्छे से डेकोरेट कर देगा, कुछ कार्टून वगैरह जो है वो लगा जाएगा तो अच्छा लगेगा, और धनवा का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके चाचा की तरफ से ये मतलब बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो गया, बहुत ही, मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छा और बड़ा सा गिफ्ट था, क्योंकि जो चीज़ नहीं सोचे एकदम से वो हो जाता है सरप्राइज़, आप उसे सरप्राइज़ कह सकते हो। वो धनवा के लिए वो सरप्राइज़ गिफ्ट था जो उसके चाचू ने दिया।
तो धनवा की तरफ से थैंक यू चाचू। और हाँ, वो पार्टी बहुत ही अच्छी थी, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा कि कम था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो पहला गिफ्ट आपने उसके चाचू की तरफ से देख लिया। जो दूसरा गिफ्ट था वो मैं यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा होगा, जो बाबू ने कोट पैंट पहना था, जिसका आप लोग पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से शॉपिंग की है, धनवा का ये ड्रेस कहाँ से लिया है बता दीजिए। तो वो ड्रेस आई थिंक मुझे ठीक से पता भी नहीं है, बट दो जगह से ही है, या तो लाजपत नगर से ही है, सरोजनी, मुझे जहाँ तक पता है वो सरोजनी नगर का कोट पैंट है। तो वो उसकी दादी लेके आई थी उसके बर्थडे के लिए। और किसी का भी कोई मेरे घर में जो भी फंक्शन होता है, तो मैं आप लोगों को एक ऑनेस्टली एक सच बताना चाहती हूँ कि किसी का बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, या कुछ भी है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई सब अलग अलग गिफ्ट देंगे। चाहे मैं हूँ, निक्की है, मम्मी पापा, ये दोनों भाई, कोई भी हो, कोई किसी को अपना पर्सनल गिफ्ट नहीं देता। वो हमारी खुशी होती है कि हम एक छोटा सा कोई चीज़ ऐसे लें और बोले कि नहीं, ये मैं अपनी तरफ से ऐसे दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो हो जाता है। बट हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, तो हमारा जो गिफ्ट होता है वो एक जो घर के मेंबर या मम्मी पापा जो भी वो लाते हैं, जितना भी कुछ लाते हैं, तो वो होता है। बट हम उसी में से कहते हैं ना, ठीक है, इसमें से ये गिफ्ट मैं दूंगी, ये गिफ्ट मैं दूंगा, ऐसे करके हम उसे बांट लेते हैं। बट लेके वो मम्मी आती है, वो मम्मी पापा का डिसीजन होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, चाहे जिसको भी दे। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोट पैंट था वो लेके आए थे कि वो बर्थडे पे पहनेगा। एंड हाँ, लास्ट में आपको दिखाऊंगी और लोगों ने, जो चुम्मा मामी ने, उसकी बुआ ने क्या गिफ्ट दिया वो भी दिखाऊंगी, जो प्रीति है उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये हुआ। और सेकंड, उस कोट पैंट पे पहनने के लिए ये बहुत ही क्यूट सा सूज आया था उसके लिए, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये सूज काफ़ी टाइम भी हमने ढूंढा था, हमें मिल नहीं रहा था, बट इस बार मिल गया, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा सा एक साइज बड़ा। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी, जो उसके चाचू हैं धनवा के, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो ड्रेस पहने धनु वो थोड़ा सा भी कहीं से लूज या बड़ा हो, तो वो फिटिंग का ही लेता है। मम्मी गुस्सा करती हैं कि छोटा बच्चा एक बार पहनता है, इतना महंगा कपड़ा लाओ, एक बार पहनो और वो छोटा हो जाता है, तो बेकार हो जाता है, पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं होता। और इस बार भी वो बोल रहे थे कि मम्मी ये बड़ा होगा, वही लेने गए थे वो और मम्मी लेने गए थे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि शॉपिंग का तो हैंडल वही दोनों अधिकतर करते हैं, तो बोला था कि वो बड़ा होगा, तो मम्मी कह रही नहीं बड़ा नहीं होगा। मम्मी को भी पता था वो बड़ा होगा, लेकिन जानबूझ के उन्होंने सुमित की आंखों में धोखा डाला और लेके आ गए कि नहीं, पहनाने के बाद कह रहे कि मम्मी ने झूठ बोला कि बड़ा नहीं होगा, ये तो बड़ा हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, बर्थडे वाले दिन पहना, रहने तो, एक दिन पहन लेता है फिर नेक्स्ट टाइम तक हो जाएगा। तो ये सूज भी, तो ये थोड़ा सा सूज भी, ये तो गलती से आ गए, बट ये थोड़ा सा सूज भी थोड़ा सा बड़ा है, बट काफ़ी अच्छा है। देखो, कोट पैंट के लिए काफ़ी अच्छा है सूज है, जल्दी मिलता नहीं है बच्चों का ऐसा, बट ये मिल गया था इसलिए मुझे अच्छा लगा था, तो ये लेके आया था। और उसकी दादी एक ये लेके आई थी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट, बहुत ही प्यारा है ना, और सॉफ्ट सा, बाबू को बहुत पसंद है, और इसको ही लेके घूमता रहता था। और उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और यहाँ पे पिक या वीडियो इंसर्ट कर रही हूँ, आप वो देख लो, कि जो रात में जब बाबू का, जब हमने नाइट सेलिब्रेशन किया था, तो उस टाइम एक स्वेटर और जींस पहना हुआ था उसका मैचिंग का, वो वाला एक मम्मी लेके आई थी कि बाबू के बर्थडे के लिए। तो हमने बोले ना, मम्मी एक हम लेंगे एक हम लेंगे, ऐसे करके हमने बांट लिया था, बट क्लियर नहीं कि किसने क्या दिया था, इसलिए मैं अभी ऐसे नहीं बता रही। तो वो एक मम्मी वो बाबू का स्वेटर लेके आई थी उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए, कि वो नाइट गिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो बता रही हूँ वो एक स्पेशल, हाँ ऐसा गिफ्ट है जो निक्की ने स्पेशल खुद मंगाया था, वो भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ क्यों मंगाया था। वो जो नेक्स्ट गिफ्ट है जो निक्की ने स्पेशल मंगाया था धनुआ के लिए, मम्मी ने बोला था कुछ क्या देना है अलग अलग से, अलग से, वो कहती कि नहीं मैं जो बोल रही हूँ बस वो मम्मी आप ला देना, मुझे वो धनुआ को देना है, मुझे लगता है कि वो दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो वो इसने दिया था, निक्की ने ये सूज मंगाया था, काफ़ी अच्छा सूज है। और सूज लेके कौन आया था, धनुआ के पापा शायद लेके आए थे, हाँ उसके पापा और बुआ लेके आए थे। निक्की ने बोला था भैया एक सूज लेते आना कि मैं धनुआ को गिफ्ट करूंगी, तो ये निक्की ने दिया था सूज। उसको सच में काफ़ी पसंद है, इसलिए निक्की ने सोचा कि सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगा वो इस सूज से, तो इसलिए निक्की ने सूज दिया था। और जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो है जो उसकी चुम्मा मामी ने दिया है, उन्होंने काफ़ी अच्छा बाबू के लिए सूट दिया है, काफ़ी अच्छा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आया था ये ड्रेस। मैंने, उनका मन भी था, मैंने भी सोचा था कि बाबू का जो बर्थडे है उस दिन ये पहना दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये ड्रेस था। तो उन्होंने मुझसे ऐसा वाला काम नहीं, कुर्ता पैजामा लाई हूँ बाबू के लिए पहना देना, तो मैंने बोला कुर्ता पैजामा, तो वो बोला पूजा जो है मेरे, उन्होंने बोला नहीं भाभी कुर्ता पैजामा नहीं है, एक ड्रेस है वो आप उसको इससे जैकेट टाइप का
आप उसे पहना के देख लेना, वो अच्छा लगेगा। तो ये लेके आई थी जो कि ब्लू और डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू, और ये वाइट में। तो ये ब्रॉच लगा हुआ जो काफी प्यारा है, और ये पॉकेट में जो कि काफी अच्छा लगा, मतलब ये भी पहन लेता उस दिन तो काफी अच्छा लगता। बट स्पेशली उसके बर्थडे के लिए वो कोट पैंट ही आया हुआ था, इसलिए उसने पहना, वरना मन था मेरा कि मैं यही वाला पहना दूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट फंक्शन में आप जरूर इसे पहनते हुए देखोगे। इसके साथ कुछ ऐसे टाइप का पैंट दिया हुआ, इलास्टिक लगा हुआ, पीछे इलास्टिक है और आगे ऐसे ये बटन प्लेन सा। जो इसका जैकेट है वो अलग सा है, जैकेट सबसे से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका बटन भी काफ़ी सुंदर है। तो ये लाई थी जो उसकी भनुआ की जो चुम्मा मामी है, बुआ अंसो चाचू हैं, वो लोग ये गिफ्ट लाए थे, काफ़ी अच्छा गिफ्ट था। और बाकी वो टॉयज नहीं ला पाए थे, इसलिए मामा जी ने वहीं पे पैसे दे दिए थे कि बाबू के लिए इसका टॉयज ले लेना। और जो एक और गिफ्ट आया हुआ है वो उसकी प्रीति बुआ लेके आई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सा है। वो ऐसा ही पहनता है, ये ब्रेसलेट सिल्वर का, आपने हमेशा देखा होगा कि धनवा के हाथ में रहता है ऐसा ब्रेसलेट, तो वो लेके आई। और एक्चुअली इस ब्रेसलेट से रिलेटेड एक मैं बात बोलूँगी, उन्होंने बहुत ही खुश होकर और प्यार से ना एक जो ब्रेसलेट लेके आई थी, उसमें ये ब्लैक मोती नहीं था, उसमें वो छोटा भीम जो होता है ना वैसा कुछ बना हुआ था उस पर, बहुत ही प्यारा सा था। बट उसमें ना थोड़ा सा वो छोटा होने का डाउट था कि बाबू के हाथ में नहीं आएगा, छोटा होगा। तो उसके बर्थडे से एक दिन पहले जाके और वो चेंज करके फिर ये लेके आई थी उसको देने के लिए। तो थैंक यू चुम्मा मामी, थैंक यू प्रीति बुआ, बहुत ही प्यारा और स्पेशल गिफ्ट है। धनवा इसे यूज करेगा, अब वो आएगा तो आज मैं उसको यही पहना दूंगी और यही पहना रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको। और एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि गिफ्ट से ही प्यार नहीं होता, जो आप लोग प्यार देते हो वो सबको दिखता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुझे पता है आप लोग ये बोलोगे कि थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हमारा कुछ नहीं है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रीति से बोलूँगी, प्रीति आप बहुत प्यार करते हो ना धनुआ को, थैंक यू सो मच, तो वह कहती है भाभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो, वो हमारा कुछ नहीं है क्या? तो सच में सब उससे बहुत प्यार करते हैं, नज़र ना लगे। ठीक है, तो और आप लोगों को ये गिफ्ट कैसा लगा, इसमें से सबसे प्यारा गिफ्ट आप लोगों को क्या लगा, तो वो आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, आप लोगों ने आप मुझे तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।